रियल एस्टेट की फील्ड में बहुत सारे चार्जेस होते हैं जो कि क्लाइंट वक्तन फवक्तन देता है, जैसे यूटिलिटीज चार्जेस जो कि आप गैस बिजली पानी की फॉर्म में दे रहे होते हैं, पोजीशन चार्जेस जब आप उसकी कीज की पोजीशन ले रहे होते हैं। लेकिन पाकिस्तान में काफी सोसाइटीज डेवलपमेंट चार्जेस लगा रही हैं अपने क्लाइंट के ऊपर, जिसको हम हिडन चार्जेस भी कह सकते हैं, जो कि क्लाइंट को पहले से बताई नहीं जा रही होती कितने चार्जेस लगेंगे। पाकिस्तान में क्योंकि इन्फ्लेशन रेट वैल्यू वेरी कर रहा होता है, तो डेवलपर को या बिल्डर्स को मालूम नहीं होता कि ये आखिर में 3 साल बाद या 4 साल बाद इसकी एग्जैक्ट कैलकुलेशन क्या आएगी कंस्ट्रक्शन की। तो वो आखिर में आपको 15%, 20%, 25%, 35% भी डेवलपमेंट चार्जेस लगा रहे होते हैं। और जब क्लाइंट पर डेवलपमेंट चार्जेस का बम फाड़ा जाता है तो उनको समझ नहीं आती कि क्या करें। तो जब भी आप बुकिंग कराएं किसी भी सोसाइटीज में, तो ये मालूम कर लें कि इसके डेवलपमेंट चार्जेस होंगे और कितने परसेंट लगेंगे, या ये डेवलपमेंट चार्जेस के साथ इंक्लूड है तो जिसको हम लोग ओल्ड ड्यूज कहते हैं, या ये आगे जाके हमको देने पड़ेंगे। और अगर आप इन्वेस्टर्स हैं या सिर्फ ट्रेडिंग करते हैं तो ये आपके लिए डेवलपमेंट चार्जेस नहीं होंगे, आप ये 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6-8 महीने बाद अपना प्रॉफिट लेके निकल सकते हैं। डेवलपमेंट चार्जेस उसको देने होते हैं जो एंड यूज़र होता है। इस तरीके से बहुत सारे सोसाइटीज़ ये करती हैं कि अगर आपकी प्रॉपर्टी फॉर एग्जाम्पल 10 लाख का प्लॉट है, वो आगे जाके 25 लाख का हो गया है, तो अपने प्रॉफिट में से उसको डेवलपमेंट चार्जेस दे सकते हैं। तो ये भी छूट जो है डेवलपर या बिल्डर्स आपको दे रहा होता है। काफ़ी सोसाइटी जैसे ब्लू वर्ल्ड सिटी इस्लामाबाद में जिन्होंने डेवलपमेंट चार्जेस लगाए, कैपिटल सिटी कराची में किंग बिल्डर है, उन्होंने डेवलपमेंट चार्जेस लगाए, लेकिन ये बात जो है क्लाइंट को पहले से मालूम नहीं थी। तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले ये मेक श्योर कर लें कि आया इसमें डेवलपमेंट चार्जेस आपको देने होंगे या नहीं देने होंगे। हम लोग डील करते हैं भैरिया टाउन कराची में। अगर आपको प्लॉट चाहिए, कमर्शियल प्रॉपर्टी चाहिए या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी चाहिए, तो दिए हुए नंबर पर रब्ता करें।